गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा दुबई में चौथा दिन है यानी कि डे फोर इन दुबई। और आज के दिन पे हम लोग सबसे पहले जो पहला पार्ट आप देखेंगे वीडियो का, उसके अंदर हम लोग अभी डेरा सिटी सेंटर मॉल जा रहे हैं। उसके अलावा हम डे टू डे जाएंगे जो यहाँ पे एक चेन है और वहाँ पर कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मिरेकल गार्डन और थर्ड वाले पार्ट में हम जाएंगे लामेर बीच। तो आज की ये आइटनरी अभी तक तो यही हमने प्लान करी है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो मैंने हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कवर करी है। मतलब अगर आप दुबई आ रहे हैं तो चाहे मेट्रो कैसे लेनी है या बस कैसे लेनी है, किसी जगह पर कैसे पहुंचना है, मैंने हर चीज़ वीडियो में कवर करी है। क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों को आपको बहुत संभाल के चलना है दुबई के अंदर, वो सब चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में कवर किया है। अभी आगे हम लोग कार्ल्टन डाउनटाउन दुबई में रुकने वाले जो कि शेख जायद रोड पे है, तो उसमें मैं काफ़ी अच्छे से और जो वहाँ की मेन रोड है वो कवर करूँगा। फिर हम हिल्टन एक होटल है उसमें भी हम एक दिन रुकने वाले, तो मैं होटल्स भी काफ़ी कवर करूँगा कि दुबई के होटल्स कैसे हैं और कौन सा सबसे अच्छा हमें होटल लगा। फिलहाल के लिए अभी हम लोग चल रहे हैं डेरा सिटी सेंटर, वहाँ पर अभी हम जाकर कुछ कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी है तो हम वो देखेंगे कि भाई अगर सस्ती पड़ रही है तो, और उसके बाद फिर मिरेकल गार्डन जो कि थोड़ा शहर से दूर है तो वहाँ पहुँचने के लिए कैब बहुत ही एक्सपेंसिव है। कल हम लोग जैसे वहाँ से हमने कैब करी ग्लोबल विलेज से तो हमें जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था उसमें आने पे लगभग 60 दिरहम्स लगे हैं। तो वो थोड़ा शहर से बाहर है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया। आज वहाँ आसपास ही जाना है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं क्योंकि टाइमिंग्स अलग अलग हैं हर टूरिस्ट अट्रैक्शन के। तो मैं बताऊंगा आपको आज सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में कि मिरेकल गार्डन कैसे पहुंचना है आपको, थर्ड में लामेर बीच। तो चलते हैं, शुरू करते हैं डे फोर इन दुबई। तो जो हमारा होटल है उसके आसपास हमेशा बढ़िया गाड़ी खड़ी होती है। एक तो आप डस्टर देख सकते हो, इंडिया में भी आती है। सो दिस इज़ मर्सिडीज V8 बाय टर्बो, और मेरे हिसाब से ये V8 बाय टर्बो का मतलब है कि इसमें AMG किट भी है और शायद इंजन भी है। ये 663S AMG, वाओ। और सामने X4। तो हमारा होटल जो है बेसिकली इसमें बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हमारे होटल के आसपास खड़ी होती है, क्योंकि हमारे होटल में देखा है कि बहुत अच्छी जेंट्री आती है। और वहाँ पर अगर आप देख सकें तो वो विंड डीजल की सबसे फेवरेट कार है डॉज की, जो फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ में वो यूज़ करते हैं डॉज। आप देख सकते हो ये विंड डीजल की सबसे फेवरेट कार है। तो ये सब लोग हमारे होटल में रुके हुए हैं और या गेस्ट को लेने आते हैं, उनकी पार्किंग है हमारे होटल की। सामने फोर्ड की इको स्पोर्ट, तो मुझे ना ये देख के थोड़ी सी क्योंकि मेरे पास फीगो थी तो फोर्ड की इको स्पोर्ट आ रही है। तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, लेक्सस और टोयोटा मतलब डोमिनेट करती है बहुत ज़्यादा। तो आप चलते हैं डेरा सिटी सेंटर। सो डे टू डे सामने है और रास्ते में मेरी फेवरेट पोर्शा, वाओ, आई फाइंड दिस वन टू बी द बेस्ट वन आउट ऑफ द फ्लीट। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये पोर्शा, आई जस्ट लव इट, इट्स अ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल 911 करेरा, इट्स अ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल। दिस इज विन डीजल्स फेवरेट कार SRT, he has used the car in all of his movies. And that's the Defender, it's the 90s, not the 110 ones. Wow, it's a beautiful Defender, beautiful. और सामने है डे टू डे, पहले हम लोग अभी यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डेरा सिटी सेंटर। और डे टू डे में अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर हम लोग ने कुछ कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ले ली हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर ठीक ठाक था। तो वहाँ हमने अभी कुछ कुछ चीज़ें सोविनियर्स ले ली हैं दुबई से। अब हम लोग डेरा मॉल जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं क्या दिखता है। तो यहाँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी पर कोई ऐसा बड़ा ये मॉल था भी नहीं। और यहाँ पर अगर आपको सस्ते सोविनियर्स अगर चाहिए हो तो डे टू डे पे आप आ सकते हो, एंड दिस इज़ डे टू डे, और सस्ते सोविनियर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो हमने थोड़े से ले लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। ओह, ये कौन सी गाड़ी है रुचि, देखो, अच्छा प्यूजो, वाओ ब्यूटीफुल कार। अब हम लोग जा रहे हैं डेरा
सिटी सेंटर मॉल की तरफ, ये था डे टू डे। अब यहाँ से रोड क्रॉस करनी है, फिर हम लोग जाएंगे डेरा सिटी सेंटर। तो ये हम लोग डेरा सिटी सेंटर आ चुके हैं इस समय। अब यहाँ कुछ कुछ चीज़ें देखनी है। तो प्रोटीन पाउडर्स यहाँ बहुत सस्ते हैं इंडिया के हिसाब से, 375 दिरहम में आपको डायमेटाइज मिल रहा है। और ये यहाँ पर हम GNC के काउंटर पे हैं, एंड प्रोटीन्स आर वेरी चीप ओवर है, वेरी चीप। सो प्रोटीन पाउडर्स एंड एवरीथिंग ओवर है, यहाँ सब सस्ता है बहुत इंडिया के हिसाब से। अगर आपको न्यूट्रिशन की रिगार्डिंग कोई शॉपिंग करनी है तो यहाँ बहुत सस्ते हैं प्रोटीन पाउडर्स, बहुत ही सस्ते हैं, मतलब 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ खाना खाने वाले हैं टिम हॉर्टन्स पे, और आप देख सकते हो अब यहाँ कुछ खाएंगे। ये मॉल बहुत ही बड़ा है डेरा सिटी सेंटर, और यहाँ पर भी हम ये दूसरी बार आ रखे हैं। तो प्रोटीन पाउडर्स यहाँ बहुत ही रीज़नेबल हैं प्राइस पे, और यहाँ भी हम कुछ खाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे अब अपने होटल की तरफ। यहाँ वॉचेस काफ़ी रीज़नेबल है, जैसे ये फॉसिल की इंडिया से सस्ती पड़ रही है, और काफ़ी रीज़नेबल वॉचेस हैं यहाँ पर फॉसिल में, और काफ़ी और ब्रांड्स भी हैं, तो इंडिया से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। तो शॉपिंग हम लोग ने कर ली है, और अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ, वहाँ खाना मंगवाएंगे अपने लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मिरेकल गार्डन हम लोग जाएंगे, तो वहाँ मिलते हैं।